दौड़ लगाते ये विधायक बलजीत यादव हैं। अब आप कहेंगे दौड़ लगाना सेहत के लिए फायदेमंद होता है, लिहाजा इसमें कौन सी अनोखी बात है? तो आपको बता दे, बलजीत यादव की ये दौड़ सूर्योदय से 10-15 मिनट पहले या 30 मिनट की नहीं है, बल्कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक के लिए है। यानी बलजीत यादव तकरीबन 10 से 12 घंटे तक ऐसे ही दौड़ लगाते रहेंगे, और ऐसा करने के लिए उन्हें किसी डॉक्टर या ज्योतिषी ने बिल्कुल नहीं कहा है। विधायक बलजीत यादव की ये दौड़ प्रदेश के किसानों और युवाओं की विभिन्न मांगों को लेकर है। बलजीत यादव का कहना है कि देश के कई राज्यों में स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के प्रावधान बने हुए हैं, लेकिन राजस्थान में ऐसा कोई नियम या कानून नहीं है। ऐसे में अन्य राज्यों में राजस्थान के युवाओं का सिलेक्शन रेशियो 0 है, जबकि अन्य राज्यों के हजारों युवा राजस्थान में सरकारी नौकरी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। या तो सभी राज्यों की तर्ज पर राजस्थान सरकार भी स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने का कानून बनाए, या फिर पूरे देश में एक जैसा नियम और कानून बने। निजी कंपनियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के नियम बनने चाहिए। अमूमन देखा जाता है कि कई राज्यों की कंपनियों ने राजस्थान में अपने कारखाने और प्रतिष्ठान खोल रखे हैं, लेकिन राजस्थान में युवाओं और मजदूरों को नौकरी देने के बजाय बाहरी राज्यों में मजदूरों और युवाओं को नौकरी पर रखते हैं। ऐसे में स्थानीय मजदूर रोजगार को तरसते रहते हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की तरह निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू होना चाहिए। आपको बता दें, बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव की ये दूसरी बार दौड़ है जब वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक बिना रुके बिना थके लगातार दौड़ लगाएंगे। एक साल पहले भी 25 मार्च 2022 को चिलचिलाती धूप में वो जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से सूर्यास्त तक दौड़ लगा चुके हैं। करीब 10 से 12 घंटे तक लगातार दौड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं है। डॉक्टर भी ऐसा करने से मना करते हैं, लेकिन बलजीत यादव सरकार के समक्ष अपनी पीड़ा जाहिर करने के लिए फिर से लगातार दौड़ेंगे। Thank you.